मैंने आपसे पिछले क्लास में ये बोला था कि अगर हमारे पास तीन मीडिया होंगे इन कंटिन्यूटी, से दिस इज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री, एंड देन अगेन म्यू वन, देन आई आस्क यू टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन शाबाश द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया ओनली. एक ऐसी इक्वेशन डिराइव आप करें जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे, है ना. ठीक होगा क्या शाबाश, ऐसे होने वाला था ना, इधर आ रही थी अभी इधर आएगी, फिर इधर पे से इधर चली गई एंड से फाइनली इधर से चली गई. तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, such that ray of light is going back to the same medium जहाँ से ray of light आई थी. Then remember, for this case when the interfaces are parallel to each other, then remember an equation that relative refractive index of one with respect to two multiplied by relative refractive index of two with respect to three multiplied by relative refractive index of three with respect to it is always equal to 1. ठीक है ना, ये मत हमने किया था, किया था आपने, देख लो व्हाट इज म्यू 1 2 इज म्यू 1 बाय म्यू 2 इनटू व्हाट इज दिस म्यू 2 बाय व्हाट इज दिस प्लग कैंसिलेशन काट कर ले इसने यहां से इसने यहां से इसने यहां से इफेक्टिवली. Now we are interested in some cases of refraction. वो केसेस कर लेते हैं. तो शो बुशमत ग्लास आपके घर में क्या होता है, ग्लास में आप कोई चीज डाल, ग्लास ऑफ वाटर शुद्ध है कॉइन त्रावन, और जब आप उसको ऊपर से देखते हो आपको लगता है वो थोड़ा ऊपर है, अच्छा सा रेज थोड़ा, क्योंकि आप किसी एक मीडियम में होते हो और आपकी कॉइन किसी और मीडियम में होती है, तो आपको जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वो कुछ डिफरेंट आ रहा है नजर एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज अगेन अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो विल गो विद द सेम केसेस. चलिए केस नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर अपेरेंट हाइट और डेप्थ. एक्सप्रेशन फॉर अपेरेंट हाइट और डेप्थ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टम्बलर में पानी रखा है या कुछ और कोई और मीडियम है इसमें. ठीक है, मैं से हमस आप ऑब्जेक्ट समझ, से फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, सच दैट यहां तक कोई पर्टिकुलर मीडियम है और इस मीडियम के बाहर एक और मीडियम है. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे जबान से फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया. ठीक, ना कोई शख्स जो है जो बाहर से इसको देख रहा होगा, ठीक है, ये उसकी आंखें इसको देख रही है, ऑब्वियस ही बात है, इफ द ऑब्जेक्ट इज रेयर देन द रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दे विल बी डाइवर्जिंग. पढ़ा है ना, चल सोचते माना रे इसकी एक से फर्क एक रे ऐसी जाएगी, ठीक, और एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया ऑब्वियस ही बात है इट विल शाबाश क्यों गई इतना नॉर्मल. The case of no refraction is that if the incident angle is at 90 degree, no refraction takes place. यानी कि ray of light will pass undeviated. ठीक है? एक और मुझे ना ये इधर की तरफ से and से एक और ray of light है वो इधर की तरफ जा रही है. ठीक है?
if this is a denser medium, this is a denser medium of refractive index say mu2, this is a rarer medium refractive index mu1, condition should be mu2 is more than mu1, ठीक है? ये मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, तो मुझे बताओ, when a ray of light is going from this medium to this rarer medium, what is going to happen? It will bend away from the normal, छह किलना, away from the normal होने का मतलब, if this is the normal, it will bend away, यानी कि इसको जाना था इधर की जाएगी इधर, ठीक है ना? अब समझना मेरी बात, say this is point A, this is point B, ठीक है? अब जब इस बंदे को इमेज देखनी है, ठीक है? उसको कहाँ दिखाई देती है? शाबाश, पूछो, इनको इंटरसेक्ट कराना है, डाइवर्जिंग को आप वर्चुअली इंटरसेक्ट कराते हैं, तो आपने इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करा दी, वो यहाँ पर, देखो, this is the image, समझो दारा? ओरिजिनल डेप्थ इसकी से डी थी, हाँ, मगर आपने इसको सिर्फ इतनी डेप्थ पे देखा, डी डैश, क्लियर? ठीक है ना? ये समझो दारा? इसीलिए आप देखते हो क्वाइन जो है थोड़ा ऊपर होती है, क्योंकि वो होता है डेंसर मीडियम और आप होते हो एयर में, विच इज अ रेयरर मीडियम, क्लियर? समझे तारा? अच्छा, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस डी डैश एंड दिस ओरिजिनल डिस्टेंस डी, अ रिलेशन बिटवीन द टू, ठीक है? तो चलिए एंगल्स की बात करते हैं, विच इज दिस एंगल, इंसिडेंट एंगल, अगर ये इंसिडेंट एंगल, जिगर ये थी इंसिडेंट एंगल, alternate interior angles, ये कौन सा एंगल है, ये refracted angle, ठीक है ना? ए ठीक सर, अच्छा, कोई मुझे बता सकता है फिर ये वाला एंगल कौन सा है, ये ना, ये छोटा, ये R-I छुना, एक ये आर क्या लगभग इस एंगल को इधर लिख रहा हूं, दिस इज आर माइनस आई, होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक होगा आर, उसमें से आई निकाल दो तो आर माइनस आई आ गई, ठीक है? तो मुझे कोई बता सकता है फिर ये कितना होगा, ये वाला एंगल, सोच के बताना, हाँ एक ये एंगल देख लो, इतना यार पैरेलल, इतना ट्रांसवर्स, इतना यार सब एंगल्स आ गए ना, समझ उसका पोजीशन, ओके मैं ट्रायंगल्स ले रहा हूं, कुछ आप भी देखें बकेश कराने, इन ट्रायंगल ए ओ बी कुछ ट्रायंगल को ये चल ठीक, वन इज में टैन ऑफ आई का चुबा रहा हूं, टैन आई किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, ए बी बाय बेस, क्या है ए ओ, ठीक है, विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू, शाबाश, ए ओ क्या है, ए ओ इट इज डी डी टैन आई, क्लियर, कॉल दिस फर्स्ट, ठीक है? अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल ए आई बी, ट्रायंगल ए आई बी, ठीक है ना, यहां पर मैं टैन आर निकालने की कोशिश करूं, जरा बताओ फिर, ए बी बाय ए आई है ना, विच इंप्लाइज ए बी यहां से और निकालते हैं, कितना आ रहा है, टैन आर या ए आई क्या है, ए आई इट इज डी डैश क्या है, सो डेप्थ ये अच्छी, इट इज नॉट द एक्चुअल डेप्थ, इट इज अपेरेंट डेप्थ, क्लियर, डी डैश इंटू हां tan r, clear, call this second, from first and second what do you conclude, shabash, from first and second what do we conclude, shabash, d tan i is equal to d dash magar tan r, clear, acha, now I and R are very small for small angles.
वैसे पता tan r कैन बी इक्वेटेड टू sin r एंड tan i कैन बी इक्वेटेड टू sin i ना वो बड़ा है ना छोटे छोटे sin i अगर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है तो sin i के बदले हम i ही लिखते थे इतने बड़ा कोश बने व्हाट इज tan 0 0 व्हाट इज sin 0 शिना एक हिसाब ही सीखा था फॉर स्मॉलर एंगल्स स्मॉलर एंगल्स के लिए मैं क्या कह रहा हूं tan i जो है ठीक है यू कैन राइट इट एज इक्विवेलेंट टू शाबाश sin i इसे बोल tan r यू कैन राइट इट एज इक्विवेलेंट टू समझ गए ना तो इस एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई फिर कर सकते हैं कर है वो करें ओके व्हिच इंप्लाइज इफ दिस इक्वेशन इज थर्ड तो क्या बन गया इस मॉडिफाइड इक्वेशन हां फ्रॉम थर्ड क्या मिलेगा हमें d नहीं ऐसे मैं लिखता हूं tan i जो ना tan i के बदले में लिखूंगा डायरेक्टली sin i ठीक है डिवाइडेड बाय tan r के बदले में लिखूं यहां पर sin r इट इज इक्वल टू d डैश बाय d डैश बाय d ठीक है ना क्लियर Now, can anyone apply Snell's law at point B? Applying. Kya? Shampoo. At B. Tala man. One more, Shashavash. B pe Snell's law apply kar, B pe. Kya maine bola tha, Shashavash? Product of refractive index and sine of angle, jo wahan par banega. Refractive index क्या है एंगल कौन सा बना तो क्या हमें लिखना है म्यू वन टाइम शाबाश साइन इट इज इक्वल टू हाँ म्यू टू टाइम्स हाँ म्यू टू टाइम्स शाबाश अभी उनमें इसे देखे जो यार वो करोगे ना म्यू वन पे साइन है वैसे वो परेशानी ऐसे आप हमेशा अप्लाई करो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी विच इम्प्लाइज बहस लिखे mu1 by mu2 it is equal to sin I by sin r likh sakta hu call this fourth and call this fifth what do you conclude from fourth and fifth shabash from shabash fourth and fifth ha huh? d dash by d ha huh? it is equal to mu1 by mu2 ठीक है ना अब इस एक्सप्रेशन को हम समझने की कोशिश पहले करेंगे गौर करते हो तो ये कॉपी क्योंकि मैं वहां से मिटा नहीं सकता ये लो मैं इको ब्लैकिंग थ्रू से हम मशीन का कुछ कम मसला ना मिशेल मिटा आपको पता है मैं जब बसी सर के पढ़ता था he always used permanent markers तो ना केमिस्ट्री यार सोचा सोची ना ना सोच समझ जाना सोच मतलब उनका बोर्ड ऐसा था कि you could use it as a mirror seriously और जब वो लिखते थे मतलब बोर्ड और सिमुक नेसल की चीज बस इससे बड़ा बोर्ड नहीं था केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री के ट्वेल्थ में मैंने देखा या एंट्रेंस को भी इतना ही यू था बोर्ड बोर्ड से नहीं लागू होती था एमसी दोस्त में सर मतलब सो और करते थे कौन सा ये इस्तेमाल परमानेंट मार पता उसमें मिटा किसके सामने एक ग्लॉसी बुक का उस बोर्ड से सो ये टेम्स क्या हो सी होता है हां या कोई सीरियस क्यों करेगा ना ना ये इंक खराब थी असली ब्लैक अभी वो तो मॉइस्चर नहीं हो गया अच्छा समझो सफर नॉब का ये कर अच्छा मैं तो प्लेम हूँ यूज़ का सांप हुई थी और सांगा सांप एजेंस वाले कर अब ओवरऑल एक्सप्रेशन जो आई हमारे पास दैट इज दिस डी डैश द अपेरेंट डेप्थ
डिवाइडेड बाय शवश रियल डेप्थ का बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, मैं इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं समझ ताकि आप समझ लें। व्हाट इज डी डैश? हां, इट इज अपेरेंट डेप्थ, यस, डिवाइडेड बाय शवश। व्हाट इज डी? रियल डेप्थ है कि नहीं? ये कातो शु बराबर। व्हाट इज म्यू वन? हां, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। ऑब्जर्वर सुना आप? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम डिवाइडेड बाय व्हाट इज म्यू टू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ठीक है ना, मैंने क्यों इसको इस फॉर्म में लिखा? ताकि मैं जनरलाइज कर सकूं। इस वक्त हमारा शख्स जो देख रहा था वो रेयर मीडियम में था, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका शख्स जो देख रहा होगा वो डेंसर में होगा। फॉर एग्जाम्पल मछलियां होती है, डेंसर मीडियम नेबरी किन चुका चीज का तिमन क्या है आसान समझ चुका है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तो क्या थे यार? अपेरेंट बाय रियल आसान, ऑब्जर्वर बाय ऑब्जेक्शन। समझ गए कि नहीं? ये थे जो याद, ये जनरलाइजेशन से बेहतर जनरलाइजेशन, ताकि आप चीजें अच्छे से याद कर सकें। अब देखो, अब केसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इफ इफ फर्स्ट केस, ऑब्जर्वर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जर्वर जिसमें है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे? हो सकता है ना, तब क्या आएगा? शाबाश, अपेरेंट डेप्थ By real depth, it is equal to observer का ज्यादा है, observer का ज्यादा मतलब ये वाला fraction जो है greater than one आएगा, yes कितना? Observer का refractive index है ना ज्यादा, observer से नहीं, observer का ज्यादा ये कम, therefore this fraction will be more than one, effectively this thing d dash by d will be greater than, चल चुको से मान अनशाबाश, d dash will be more than, समझ तो ली खबर क्या तो ली समझ। अगर आपका ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा और वो देख रहा है कोई चीज जो किस मीडियम में होगी? रेयर मीडियम, उसको नजदीक दिखेगी कि दूर दिखेगी? उसको दूर दिखेगी। समझ गए? मछली को हम दूर दिखते होंगे मगर हमें मछली केस ऑफ फिश दिखा रहे हो इंशाल्लाह, मूवी दिखाता हूं। हाँ, एक और केस हो सकता है दैट ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is more than refractive index of observer medium, समझ रहे हो? यानी कुछ केस हो, कॉइन आपने पानी में डाल दी, आप ऊपर से देख रहे हो, you always see that coin to be raised, शायद कि ना? अच्छा, तो लेट्स टेल मी इस्तेमाल क्या कर? This fraction will be less than one, आएगा? When this is less than one, तो जो माना d dash will be less than d, होगा कि नहीं? Therefore you are seeing that the distance between the object and the observer gets reduced or it gets increased and it depends on kis pe? Refractive index relationship between the object and the observer medium. Clear? Acha, theek hai, is waqt distance kam dikhai di kyunki object jo tha wo denser medium mein tha aur aapne observer ko kahan pe rakha tha? Rarer medium. Aur agar aapka object denser medium mein hai aur aapka observer ulta, if your object is in rarer medium and your observer is in then we should assign distance increase. Clear? Acha, agar dono ek hi medium mein honge to hai na wo dono ka ratio 1 aayega, d dash equal to generalized form asal theek. Okay, ab aisa bhi ho sakta hai na ki aapka observer jo hai wo air mein hai, zyada time yahi hota hai, observer jo air mein, theek hai, hum mushroom ko nahi dekhenge, hum iske aage aate hain, uske karam pani ka, acha sir, air mein, hum air mein hote hain zyada tar, और जो भी चीजें हम देखते हैं या तो एयर में होगी या किसी और मीडियम में होगी, ठीक, तो हम कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट द अपेरेंट डेप्थ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू एंड ऑब्जर्वर इट इज इन एयर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक सर, now this is a very special case of if shabash observer
is in air. تجربہ سے مانا observer medium جو ہے اس کا refract index 1 آئے گا ٹھیک ہے نا and say object جو ہے and object is in medium of refractive index mu ٹھیک ہے نا تو tell me what about the apparent depth شابش by real depth ہاں کس کے برابر آئے گا 1 by mu which implies shabash d dash the apparent depth will be equal to huh, d upon clear hai tala pan hai kuch to jo kisan air asman chuka asan to aap dekhte ho kaise daban coin ko pani mein to uski actual depth jo hogi divide karna hai kisse refractive index kisse kiska refractive index us medium pani ka refractive index kitna hai पानी का 4/3 1.33 लास्ट का कितना है 1.5 करते जाओ डिवाइड आपको समझ आ जाएगा डायरेक्ट सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और शुरू यहां करते हैं ठीक है ठीक है अच्छा वन ट्राई फॉर यू अनदर ये करो ना कॉपी ये पढ़ लियो ना सही आपको ये पढ़ तो ये जो विचार एक्चुअल डिस्टेंस थी ये लेकिन हमें क्या नजर आई इतनी तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक हिसाब से शिफ्ट हो गया ना मगर नॉर्मल टू द सरफेस समझ लो आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट हैज बीन नॉर्मली शिफ्टेड नॉर्मल क्यों क्योंकि ये शू परपेंडिकुलर यार अच्छा शिफ्ट हैज टेकन प्लेस इन अ नॉर्मल डार्क परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस है कि नहीं नाउ दिस शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट इट इज इक्वल टू शाबाश एओ minus ai ao minus ai that is equal what is ao original distance minus a d dash magar samaan rakhne mein wo intel d dash ka akshar barabar d by which implies shabash d common 1 minus 1 upon this is normal shift clear cha kuzu shift suna So, जब भी आप एयर में होंगे आपको हमें कोई ऑब्जेक्ट होगा किसी पर्टिकुलर मीडियम में आपको कुछ नहीं करना डिस्टेंस जो होगी d by mu कर दो कुछ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें होगा ठीक अब खुद ही बताओ ये कुछ बतून थिंकिंग को ताम बात ऑब्जेक्ट में आपस में ठीक हम कहां पे एयर में फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी इसकी अपनी वेलोसिटी है v अपनी आपको किस वेलोसिटी से दिखेगा v से ज्यादा कि v से कम कम एग्जैक्टली क्यों क्योंकि आपके लिए इसको कम ही डिस्टेंस कवर करना उतने ही टाइम में समझो जरा क्योंकि जितने बासमती हो उतने टाइम इसकी ये v से कवर करता लेकिन आपके लिए ये ऊपर है कम ही टाइम समझ रहा तो आपका ऑब्जेक्ट भी और आपकी इमेज भी इकट्ठे फिर ऊपर आने चाहिए ना समझ रहे तो आपके लिए वो वेलोसिटी क्या होगी उस वाले केस में ज्यादा तो आपके लिए व्हाट इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ठीक है चलो इसके बाद क्वेश्चन एक लिखो इफ टू ऑब्जेक्ट्स are inside a medium of refractive index mu ठीक है if two objects are inside a medium of refractive index at depths d1 and d2
then what is the relative distance? Yeah, what is the apparent distance between the objects? If viewed from air. Shabash. The black ones kya bana? Organic solvent. Or organic? Kya tha us? It's an answer. ये बोले चीज कह रहे उसने पस जल्दी पान नेल पॉलिश या तो ऑब्स है ऑब्स इसने कहा सही ऑब्स हाँ अगर ऑब्स ही वो तो पाते गोल किस तरह क्या करा गोल क्यों किस करा बीस तो ना याद चु इंक में डाला है आउट ऑफ बॉक्स थिंग क्रिएट थिंग इज योर पसंद क्रिएट यू लेवल सुधरा अच्छे जो उसका डायल्यूटर की एब्सेंस में ब्लैक आई थी वो भी अच्छा है ये वही नहीं जल्दी क्वेश्चन तो लिखा करो ना क्या अच्छा हाँ एक गाड़ी सॉरी बना पहले एक बकेट उसमें ड्रॉप दो ऑब्जेक्ट्स एट डेप्थ्स d1 एंड d2 एंड ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक अच्छा आई पे ये अगले d1 एंड d2 आपने इकट्ठे बनाए दोनों ये जो d1 इज इक्वल टू d2 हो गए हां आप सही एक को d1 रख एक को d2 रख गोना ठीक हमें कहां से इसको देखना है ऊपर से जब देखोगे आपको d1 और d2 मत दिखेंगे माई तेल के d1 डैश और d2 डैश वो किसके बराबर पहले होगा मैंने आपको कहा अगर आपके पास ना अगर आपके पास एक दो ऑब्जेक्ट्स है से दिस ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट नंबर 2 देयर आर डेप्थ्स d1 एंड d2 दिस इज d1 एंड दिस इज d2 ठीक है ना तो सवाल किया जा रहा है इफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू ठीक है अब इसको शख्स कोई देख रहा है कहां से बाहर से ठीक है पता क्या करिए यदि पूछना एमिशन को इंडिविजुअली पूछिए व्हिच इज द तरीका हमें निकालने हैं इन दो के दरमियान डिस्टेंस वो कितनी है असल में है कितनी जरा बताओ d1 माइनस d2 लेकिन जब कोई शख्स ऑब्जर्वर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट मीडियम अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का और ये एयर में है तो आपको पता है ना दैट अपेरेंट डिस्टेंस जो है आसान से बराबर ओरिजिनल डिस्टेंस बाय म्यू अभी किया तो विच इंप्लाइज d1 का डैश इज इक्वल टू बस यहां पर हाईलाइट बस पगी बड़ी सेलिब्रिटी d1 डैश जरा बताओ d1 डैश कितना होगा फिर इसको मत यहां दिखाई देगा ये कहीं यहां पे दिखाई देगा और इसी तरह से ये कहीं यहां पे दिखाई देगा और जो उनकी डिस्टेंस होगी वो फिर अलग होगी तो देखते हैं पहले d1 डैश किसके बराबर हां d1 डिवाइड बाय म्यू विच इंप्लाइज d2 डैश सिमिलरली हां d2 बाय तो इन्हीं दो की डिफरेंस उसको नजर आएगी ना
تمس ما اصل میں ڈسٹینس جو اوریجنل ڈیلٹا ڈی تھا وہ تھا ڈی ون مائنس ڈی ٹو یہی تھا یہ تو اوریجنل تھا یہ والا لیکن اس کو نظر آ رہا ہے پہلے یہ اور یہ اور اس کو جب نظر آئے گا اس کو انہیں دو کی ڈفرنس نظر آئے گی ہے کہ نہیں مطلب میں مانتا ان کی ڈفرنس وچ امپلائز شاباش ڈیلٹا ڈی مگر ڈیش کچھ برابر تھے ڈی ون ڈیش مائنس شاباش وہ کس کے برابر آئے گا مجھے لگ رہا ہے وہ آئے گا ڈی ون بائی میو مائنس ڈی اب ایسے لکھتا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے اگر وہ قابل آ سکے ژ کر یہ کہین ژ کر ڈائریکٹ جو بھی ڈسٹینس پانی میں ہوگی اس کو اپیرنٹ بنانے کے لیے ڈیوائڈ کیا کرنا ہے میو سے ڈسٹینس کیا تھی ڈی ون مائنس اسی کو ہم نے میو سے ڈیوائڈ کیا بائی دس کانسیپٹ ڈی ڈیش برابر کوئی بھی ڈسٹینس اپیرنٹ ڈسٹینس جب ہوگی وہ ہوتی ہے اوریجنل ڈیوائڈ بائی میو تو یہاں پر اوریجنل کیا تھی ڈی ون مائنس ڈی ٹو اس کو میو سے ڈیوائڈ کر دو سمجھ گئے کہ ایک اور کوشچن لکھو پھر کاپی چلتی تھی بیا کوشچن لکھو لکھنا لکھنا ہے کہ یہ کر لکھا لکھو پتا مہربانی کر گیس پکن لوت کل میں نے کل نہیں پرسوں علی جان روڈ پہ شام کے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا آن اسپاٹ ڈرا تو نہیں ہوں میں وارن کر شام کو سوتا ہوں دو بجے مطلب رات کو صبح سوتا ہوں پانچ بجے دو چھ پتہ بہت کھڑا اللہ کی میں بیٹھتا ہی نہیں کنٹینیوس میچ آج بھی ہے کل بھی ہے اور پھر سنڈے بھی کل بھی تھا پرسوں بھی تھا اگر آج ہارا تو کل کہاں یہ کہاں یہ ایک ہی جگہ مت ہے ان پڑھ پاگل آپ کیسے لکھو اف ٹو امیسیبل لکوڈس اف مطلب اگر کیا اف مگر اس ہے مطلب امیک مطلب گو تھی کتیا بےکار اس کیا بنوت انگریز تو اردو گرمت ہائبریڈائزیشن اور پتا نہیں میرا بچپن کہاں بتا پاگل ہو If two immiscible liquids are present in a beaker, ٹھیک ہے with refractive indices mu1 and mu2 and depths d1 and d2 respectively, then the apparent depth is given by سوچ کتنا رو
शाबाश। इनमिसिबल छो पता क्या हो? कसम छू। हाँ जो जो अब तील शाबाश मिक्स कसम। तो इसका मतलब क्या है? तो शाबाश क्वेश्चन क्या लिखा? देन द अपेरेंट डेप्थ इज गिवन बाय। हाँ हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। से फॉर एग्जांपल आख लिक्विडाइज बोन आख लिक्विडाइज होती है सर। से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक की डेप्थ डी वन दूसरे की डेप्थ। सवाल छो अगर ये शख्स इसको देख रहा है असल में कितनी डेप्थ थी ओवरऑल लिक्विड की? ओरिजिनल डेप्थ डी वॉज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू थी ना, है कि नहीं? लेकिन जब ये शख्स अब इनको देखेगा क्या इसको यही दिखेगा डी वन प्लस डी टू? सवाल उसको मैं डी वन दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा? डी वन के बदले डी वन बाय म्यू वन वो है कि नहीं? डी वन बाय म्यू वन प्लस। हाँ वट अबाउट डी टू? उसको डी टू नहीं दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा डी टू अपॉन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द अपेरेंट। ठीक मगर वो ही पर होता है एक्सप्रेशन दैट डी डैश चौसम बराबर डी अपॉन म्यू। पढ़ो डी डैश क्या है? अपेरेंट डेप्थ। ये क्या है? ओरिजिनल डेप्थ। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर हमने देखा दो मीडिया का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं? Then at that point, which implies, can I say from this expression that the refractive index can be calculated by the expression original depth divided by apparent depth? At that point, what is the original depth? But this is the refractive index of the combination. Again, किसके बराबर है? D1 plus divided by शाबाश D dash के बदले D1 by plus D2 by समझो तरह कितना। कहने का मतलब यह है कि आपका ये दो लिक्विड्स इट विल बिहेव एज अ सिंगल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कॉम्बिनेशन। वो कितना होगा? डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाई डी वन बाई म्यू वन प्लस डी टू बाई। ठीक है अब एक पर्टिकुलर केस में हम इसमें जा सकते हैं दैट इफ 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 डी वन इज इक्वल टू डी टू ठीक इज इक्वल टू से डी ठीक है ना। चलो म्यू कॉम्बिनेशन का क्या आ जाएगा? यानी कि दोनों की डेप्थ सेम है। हाँ तब डी वन प्लस डी टू के बजाय टू डी डिवाइड बाय डी बाई म्यू वन प्लस डी बाई डी कॉमन आज थिंक डी डी एंड डी कैंसिल होती दैट इज इक्वल टू शाबाश टू बाई हाँ वन बाई म्यू वन प्लस वन बाई म्यू टू एलसी निकाल दी म्यू वन म्यू टू म्यू टू प्लस म्यू वन विच इंप्लाइज म्यू ऑफ कॉम्बिनेशन वेन बोथ वेन द डेप्थ ऑफ बोथ द लिक्विड्स आर सेम इट इज गिवन बाई शाबाश ट्वाइस म्यू वन म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन प्लस कहा है क्या मैंने ये एक्सप्रेशन कहा है छोटे डिफरेंस ऐसी ही एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कुछ इक्विवेलेंट अपने ना 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 ताया तो क्या है ताया तो प्रोडक्ट बाय सम मगर ये ट्वाइस प्रोडक्ट बाय सम कोई बता सकता है तो पुलिस सिस्टम पर भी शेन रतन पुलिस सिस्टम में किधर में खबर याद है भाई रिड्यूस्ड मास रिड्यूस्ड मास सुन पर मैं सुन बाय अंदर एक्सप्रेशन हार्मोनिक मीन पता है ये एक्सप्रेशन में किसी हार्मोनिक मीन जो पता क्या हार्मोनिक सीरीज से पता हार्मोनिक सीरीज से शिवना में और सारे गम आपका भगवान है हार्मोनिक सीरीज देख ये पीरियड टेबल के तो याद मेहरबानी ओसीसी टारा नहीं पोरी एंड ये इसके मातम में झुक गया समझ हुआ तारा
वो क्वेश्चन एक लिख लेना वो घर पे सॉल्व करके आना और ट्यूशन को करा के पूछ मत तू ही कैसे समझाएगा रिवाइज मां बाप का नाम हो लंपस पे लिख सुद गई रोशन गाइस ना मार कर दीजिए अब मैंने आपका नाम रोशन एलईडी हैव या नचिया जो हूं सिस्टर सिस गाइस बराबर कहा थी भूसा वैसी चलो क्वेश्चन लिखो घर पे कर लेना इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ रेयरर मीडियम विद स्पीड वी विद स्पीड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू रेयरर मीडियम विद स्पीड towards a denser medium towards a ठीक है ना क्या लिखा if an object is moving through a rarer medium with speed v मगर towards a then the speed of the image then the speed of the image as observed by an observer from denser medium then the speed of the image as observed by the observer from denser medium is batao zyada hogi ki kam itna batao bas shabash shakhs ka chu rarer medium samajh jao main inka chuna sorry denser medium hai shakhs object ka pahunchu अब पहले मुझे बताओ डिस्टेंस इस ऑब्जर्वर को ज्यादा दिखी कि कम दिखी ज्यादा दिखी तो जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है फॉर द ऑब्जर्वर वो ज्यादा है इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी वी है अच्छा वी से तो लेकिन इतना ही कवर होता ना लेकिन ये इधर है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ी तो वेलोसिटी ज्यादा आपके लिए सवाल है कितनी होगी ये कार ये मीजा ही केस है कि ऑब्जर्वर इज इन डेंसर एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयर एंड ऑल्सो फाइंड द वाइस वर्सा केस क्या है ऑब्जर्वर होगा अब रेयर में ऑब्जेक्ट होगा वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा आप बताना कितना ठीक है ओवरऑल समझ आ गया ना आपको डिस्टेंस को कुछ नहीं करना डिस्टेंस को म्यू से डिवाइड करके वेलोसिटी निकालना है ठीक है टाइम कॉन्स्टेंट थोड़ी समझ आ गया ना आई विल स्टॉप हियर Thank you.